इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर। 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों को कैंपस सिलेक्शन के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला गौरवशाली विश्वविद्यालय। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें सागर रोड छतरपुर मध्य प्रदेश। छतरपुर जिले की यातायात की कमान मिलने के बाद RI कैलाश पटेल और सूबेदार दलवीर सिंह मार्को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। शहर के छत्रसाल चौक, फव्वारा चौक और चौक बाजार इलाके में अक्सर सवारियों के इंतजार में ई रिक्शा और ऑटो चालक अपने वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं। अब ऐसे वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। रविवार को यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की। छत्रसाल चौक पर ऐसे 8 ऑटो और ई रिक्शा चालकों को पकड़ा गया जो कि सवारियों के लिए बीच सड़क पर जाम लगा देते हैं। उनके विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। यातायात प्रभारी श्री पटेल ने कहा कि जो लोग भी आवागमन में बाधा बनेंगे उनके विरुद्ध इसी तरह की कार्यवाहियां की जाएंगी। मेरा रिक्शा डाकखाने पे खड़ा था, ठीक है, तो सर आए तो बस मतलब यातायात थाने लेके आ गए और चालान कट गया। क्यों कटा है चालान? नो पार्किंग में खड़ा था। हाँ सर बोल रहे। क्या समझाइश दी थी यातायात ने, क्या नियम? उनने बताया था कि जो रूल्स फॉलो करेंगे तो उनका चालान नहीं होगा, और जो नो पार्किंग में लगाएंगे तो मतलब चालान होगा 1000 रुपये का। कितने का चालान हुआ? अभी 500 का हुआ है। आपके साथ और कितने पकड़े गए? मेरे साथ तो मतलब 1-2 और पकड़े गए। कुल कितने पकड़े गए? 10-8। हाँ मतलब 7-8 पकड़े गए। 8 ई रिक्शा पकड़े गए? हाँ। सब पे चालान की कार्रवाई हुई? हाँ। क्या कहना चाहते हैं ई रिक्शा वाले? मतलब ये कहना चाहते हैं कि मतलब नो पार्किंग में ना लगाएं और मतलब जो रूल हैं उन्हें फॉलो करें। पार्किंग व्यवस्था हुई है आप लोगों के लिए? हाँ हुई है, बना दी है उनने। बना दी